ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी भी बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं राइस कटलेट। ये हम बनाएंगे रात के बचे हुए चावल से। जब भी चावल हमारे बच जाते हैं उसको हम इस तरह से कटलेट बना सकते हैं। इसके लिए जो सामान हमें चाहिए होगा वो है चावल 1 कप, 1 प्याज लिया है हमने चॉप करके, थोड़ी सी पत्ता गोभी चॉप की हुई, थोड़ी सी शिमला मिर्ची चॉप की हुई, 1 उबला हुआ आलू, 2 ब्रेड मैंने लिए हैं, इसका मैंने क्रम बना लिया है मिक्सी में, इसको सिर्फ चला लिया है, ये पुदीना है थोड़ा सा, और साथ में नमक और मिर्ची और थोड़े से सौंफ हम लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे चावल, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, कटे हुए प्याज हैं, और ये आलू को थोड़ा सा हम तोड़ के डालेंगे। आलू को बारीक नहीं करना है, बस ऐसे हम तोड़ के डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना, नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़े से सौंफ। ये सौंफ हमने मिलाए हैं थोड़े से। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। अगर आपका ये डो थोड़ा पतला हो तो इसमें 2 चम्मच भी मिला सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपका आलू उबला हुआ उसमें पानी तो नहीं है उसके ऊपर। बस ये इस तरह का डो तैयार होना चाहिए। ये डो हमारा अच्छे से तैयार है, अब इसको हम शेप्स देंगे। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अभी मैं इसको सर्कल का शेप दे रही हूं, इस तरह से हम बना के रखेंगे। इसी तरह से मैं अपनी सारी बना के तैयार कर लूंगी। ये सभी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी जो ब्रेड क्रम्स हैं इसमें हम इसको डिप करेंगे इस तरह से, और चारों तरफ से इसको अच्छे से कोट करेंगे। उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने अच्छे से लगा लिया है चारों तरफ। अब हम तवा गरम करेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इस पे थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। और इसके साइड्स में भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे, थोड़ा सा ये सिक जाएंगे उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। ये नीचे से थोड़े थोड़े सिक गए हैं, अब हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया है थोड़ा थोड़ा। इसमें भी साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। ऑयल ज्यादा नहीं लगाना है, 1 और 2 ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा। इसको नीचे से सिकने देंगे, दूसरी साइड से भी। ये दूसरी साइड से भी थोड़े थोड़े सिक गए हैं, ये देखिए इधर से भी सिक गए हैं ये। इसी तरह से हम सारे टर्न करेंगे और दोनों ही साइड से बहुत अच्छे गोल्डन क्रिस्प होने तक इसको सेकेंगे। ये दोनों साइड से सेक गए हैं, अब मैं इस पे थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्स डालूंगी और इसको फिर से एक बार सेकूंगी। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
एक साइड पे मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा दिया है, अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी लगाएंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही हम सेक लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है और ये क्रिस्प भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये दोनों साइड से सेक के तैयार हो गए हैं। ये ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी भी बने हैं। ये सभी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसको सॉस या चटनी किसी के साथ भी हम खा सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाइए या हल्की फुल्की भूख में भी हम बना के खा सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।